मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, डेलीगेशन। डेलीगेशन है क्या, कंसेप्ट क्या है? तो डेलीगेशन का मतलब सिंपल सी बात है, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना। मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र करना, मतलब मैं कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मुझे अगर कोई काम दिया गया है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कल को मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरे बिहाफ के ऊपर ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है, इसको पकड़ लो। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं होती। सिर्फ आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपको काम करने के लिए बोला गया है, आप उस अथॉरिटी को आगे जाके डेलीगेट कर सकते हो, उस अथॉरिटी को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, काम मुझे मिला था, मैंने आपको दे दिया काम करने के लिए, आपने किसी और को दे दिया, तो इस तरीके से मेरी अथॉरिटी है, जो काम करने की परमिशन है, मैं उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। पर अगर जिस पर्सन ने आपको अथॉरिटी दी है, ठीक है, अथॉरिटी अगर कोई पर्सन देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के लिए कौन आंसरेबल है इसकी बातों के लिए? लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि काम इसको मिला है ना। अगर ये पर्सन लोअर लेवल मैनेजमेंट आगे किसी और को काम ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है, अपनी अथॉरिटी आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट स्टिल लोअर लेवल मैनेजमेंट जो आंसरेबल रहेगी वो टॉप मैनेजमेंट के लिए रहेगी। क्योंकि जिसको अथॉरिटी दी गई है, जिसको काम दिया गया है, वो पर्सन ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसी पर्सन के लिए जिसने उसको काम दिया है, ठीक है। एक और डायग्राम में करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए ने काम ट्रांसफ़र करा बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। अब ये पर्सन ने इसको डेलीगेट करा, इस पर्सन ने इसको डेलीगेट करा, इस पर्सन ने इसको अथॉरिटी डेलीगेट कर दी। अल्टीमेटली काम कौन करने वाला है? डी, जो काम किसको मिला था? बी को। ये तो मैं सिर्फ अथॉरिटी की बात कर रही हूँ, अभी मैंने किसकी बात करी है? सिर्फ अथॉरिटी की। अब मैं बात करूँगी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबल, काम मैंने इसको दिया था ना, मैंने इसी से काम मांगना है, चाहे आगे वो काम कोई भी कर क्यों नहीं रहा है, वो डी क्यों ना काम करे, पर बी को काम दिया था ना मैंने, जिसको काम दिया गया था उसी से मैं पूछूंगी, तो मेरे लिए यही पर्सन क्या है? रिस्पॉन्सिबल। सी बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डी सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन पर्सन के लिए आंसरेबल है। सो इन शॉर्ट, जिस पर्सन ने आपको अथॉरिटी दी है, आप उस अथॉरिटी को चाहे आगे ट्रांसफ़र कर दो, पर आप रिस्पॉन्सिबल उसी पर्सन के लिए रहोगे जिस पर्सन ने आपको काम ट्रांसफ़र करा है। सो क्योंकि ये हमने आगे कंसेप्ट करना है, डिसेंट्रलाइजेशन भी करना है, तभी भी डिफरेंस आएगा, ये कंसेप्ट क्लैरिटी होनी ज़रूरी है कि आप किसके लिए आंसरेबल हो, किसके लिए अकाउंटेबल हो, कौन पर्सन आपको अथॉरिटी दे सकता है। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना। तो डेलीगेशन का मतलब क्या है? जब आप अपना काम आगे क्या करते हो? ट्रांसफ़र करते हो, अथॉरिटी आगे ट्रांसफ़र करी जाती है। Delegation is an administrative process of getting things done by others by giving them responsibility. मैंने A ने B को responsibility दी, यही बंदा मेरे लिए responsible है, इसका मतलब ये है, ठीक है। So आपने जो काम divide करना है, आपने जो आगे काम transfer करना है, वो कैसे कर सकते हो? According to ability, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, ऑफकोर्स येस, कि अगर आप मतलब उस काम को कर सकते हो, आप में एबिलिटी है कि आपको टाइपिंग अच्छी आती है, तो मैं आपको काम ट्रांसफ़र कर दूंगी। या फिर कोई काम ऐसा है जिसमें पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए, जैसे MBA क्वालिफिकेशन है या CA का काम है, तो या तो काम जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड आप कितने हो उसके बेसिस के ऊपर आपको काम ट्रांसफ़र होएगा, या ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और क्वालिफिकेशन आपकी जैसी है, आपको उस तरीके से हाई लेवल का काम भी जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बना दिया, मैंने ABCD की एग्जांपल ली थी, इन्होंने CEO, जनरल मैनेजर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट, वर्कर की बात करी है। तो जब ये काम आपका ऐसे ट्रांसफ़र होता जाएगा, इसको हम डेलीगेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि आप अपने काम को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो। सो डेलीगेशन इज डेलीबरेटली पासिस सम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबॉर्डिनेट, अपनी मर्जी से ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि या फिर मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी आपकी हायरार्की ऐसी होती है कि आपको आगे अपना काम ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब जब आप काम ट्रांसफ़र करोगे उस चीज़ को डेलीगेशन कहते हैं।
डेफिनेशन है, सिंपल सी बात उन्होंने लिखी है कि अपना अथॉरिटी जो भी अपना काम है, ठीक है, इसको आगे आपने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस इस चैप्टर में, जो आपका हम कहें कि प्रिंसिपल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन क्या होते हैं। सो अगर आपने ये इम्पॉर्टेंस समझ ली है तो आपका प्रिंसिपल टॉपिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो फर्स्ट वन इन्होंने इम्पॉर्टेंस लिखी है, क्यों हम अपना काम जो है आगे ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट वन लिखा है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। देखो, एक जो मैनेजर है, अगर हमने काम करना है तो हम सारा काम अपने आप से नहीं कर सकते ना, तो बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, वर्कलोड ज़्यादा होएगा, आप जो है मेन एक्टिविटीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से कहते आपको है काम अपना ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी आपका रूटीन का काम है, ठीक है, मैनेजर पास रूटीन वर्क टू दी सबॉर्डिनेट्स, जो भी रोज़मर्रा का काम है आप लोग जो है सबॉर्डिनेट्स को दे देते हो। क्यों इन्होंने रूटीन वर्क लिखा है, बिकॉज देर आपका जो कुछ काम होता है वो स्पेशल नेचर का होता है, जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, जो स्ट्रेटजीज जो पॉलिसीज बनानी है वो टॉप मैनेजमेंट बनाता है। टॉप मैनेजमेंट अपना ये वाला काम कभी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करता। डिसीजन मैंने लेने तो मैं ही लूँगी, मैं लोअर लेवल से कभी डिसीजन नहीं जो है उनको लेने के लिए नहीं बोल सकती। सो इसलिए इन्होंने लिखा है कि जो रूटीन नेचर का काम है, जो रेकरिंग नेचर का काम है, वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो आपका स्पेशल नेचर का काम है, नॉन रेकरिंग रेकरिंग नेचर है, वो जो है वो टॉप मैनेजमेंट ही उसको संभालेगी। सो मैनेजर्स को यहाँ पे कहते हैं कि रूटीन का काम तो हम लोगों ने सबॉर्डिनेट्स को दे दिया, इसका मतलब ये है कि मैनेजर जो है वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास अब काम तो थोड़ा ही रह गया ना करने के लिए, क्योंकि बाकी काम तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। सो वो कुछ ही काम के ऊपर प्रॉपरली जो है वो फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि आप जो अपना काम है डेलिब्रेटली जो है इफ़ेक्टिवली अपने नेक्स्ट पर्सन्स को, जैसे इन्होंने लिखा है सबॉर्डिनेट्स को आप ट्रांसफ़र कर देते हो, ताकि काम अपना आपका जो है वो कम टाइम में, कम कॉस्ट में, स्पीड से हो जाए, इस पर्पज़ से। सो डेलीगेशन का एक तो हमें ये फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज़ को बड़ा फ़ायदा होता है अगर सारा काम हम खुद करेंगे, डिसीजन खुद बना रहे हैं, खुद काम करने वाले हैं, तो एम्प्लॉयज़ का क्या फ़ायदा है, वो कभी भी जो है ग्रोथ नहीं होगी उनकी, कभी भी वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तो पर्सनल लेवल के ऊपर उनकी किसी भी तरीके से ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि कभी उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया ही नहीं है, कभी उनको काम करने के लिए बोला ही नहीं गया। सो इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि एम्प्लॉयज़ को भी बड़ा फ़ायदा होता है। रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। वो टैलेंट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें अब काम करने के लिए मिला है। अगर सिर्फ आप लोगों को पढ़ने के लिए ही काम मिलेगा या काम पढ़ने का काम ही आप करोगे, तो कभी एक्स्ट्रा करिकुलम में पार्टिसिपेट करना आपके हिस्से में आएगा ही नहीं। आप लोगों को और काम भी करवाया जाता है, तो ग्रोथ आपकी पर्सनल वहाँ पर भी होती है ना, सेम ऑर्गेनाइजेशन में। आपसे प्रोडक्शन मार्केटिंग तो कराई जाती है, साथ ही साथ आपको और काम भी हम लोग कराएंगे आपसे, आपको और काम भी डेलीगेट किया जाएगा, ताकि आपकी पर्सनल ग्रोथ हो, आपकी डेवलपमेंट हो। सो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि जो भी उनकी कॉम्प्लेक्स जो भी हम बोल सकते हैं कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्किल्स चाहिए, वो भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर आप लोग अपना काम आगे ट्रांसफ़र करो तो। डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखा है हेल्प्स इन मेकिंग फ्यूचर मैनेजर्स। तो आप लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल रहा है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट की जगह पे काम कर रहे थे, एट द सेम टाइम सुपीरियर आपसे और भी काम करा रहा था, आपको जो है डिसीजन मेकिंग में भी आपकी जो हेल्प ले रहा था, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। उसी तरीके से फ्यूचर में अगर आपकी कहीं पोस्ट निकलती है या आप लोगों में वो एबिलिटीज़ जो हैं ऑटोमेटिकली जो हैं वो आ जाएंगी, आप भी फ्यूचर में मैनेजर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने वही काम जो था वो मिडल या लोअर लेवल के ऊपर परफॉर्म करा हुआ था। बाई यूजिंग देयर स्किल्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्क दे गेट हायर जॉब पोजिशन। पहले उन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में लिख दिया है कि अगर हम मैनेजर से भी सबॉर्डिनेट से भी काम कराएंगे, उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराएंगे, पहले तो वो फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर वो कहीं और, क्योंकि अब उनमें स्किल्स है ना ज़्यादा, वो स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं अपने काम में, उनको सारे ट्रिक्स वगैरह पता चल गए कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम होता है, तो फ्यूचर में अगर वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और जॉब लेना चाहें हायर सैलरी के ऊपर, तो वो ले सकते हैं क्योंकि अब उनमें इतनी एबिलिटी है। नेक्स्ट लिखा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। आपने अपना काम दूसरों से कराया, यानी कि मैं कहूँ कि सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट से काम कराया, अगर वो अच्छा काम करता है देन आप क्या करोगे, उसको रिवॉर्ड दोगे, ठीक है, कमीशन मिलेगा, उसकी प्रमोशन हो सकती है। सो इस तरीके से कहते कि उनकी जो है मोटिवेशन जो है इन टर्म्स ऑफ मनी और नॉन मॉनेटरी दोनों ही डेवलप होंगी। जैसे इन्होंने लिखा है कि वो ऑटोमेटिकली अगर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, अथॉरिटीज शेयर कर रहे हो, तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, उनमें एक बिलोंगिंगनेस और ट्रस्ट होएगा, उनको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन उनके ऊपर ट्रस्ट करती है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये तभी पता चलेगा अगर आप भी उनसे काम कराओगे या उनको डिसीजन मेकिंग में जो है उनसे पार्टिसिपेट कराओगे। नेक्स्ट लिखा है फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। सिर्फ एक एम्प्लॉय की ग्रोथ नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर डिफरेंट लोग अपने क्रिएटिव या इनोवेटिव वे से काम करेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ही बेनिफिट में रहेगा, ठीक है। सो व्हेन द मैनेजर्स आर पासिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स, दे हैव टू कीप इन माइंड द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी। जब भी वो आप अपना काम ट्रांसफ़र करोगे तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखोगे कि अगर उनमें इतनी क्वालिफिकेशन है या उनकी वैसी क्वालिफिकेशन है, ओनली देन यू विल ट्रांसफ़र दी वर्क। सेकेंडली, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग कॉम्प्लेक्स टास्क, तभी काम जो है ट्रांसफ़र होएगा, अदरवाइज आप उनको काम जो है करने के लिए नहीं दोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना। सो दिस लीड्स टू डिवीजन ऑफ वर्क। एक तो मैंने काम डिवाइड कर दिया, ठीक है। काम को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि मान लो एक फर्नीचर बनाना था, ये मेरा काम है, ये वर्क है, इसको डिवाइड कर दो। कोई वुड कट करेगा, कोई पेंट करेगा, कोई इसको असेंबल करेगा। सो इसलिए लिखा है कि आपने काम जो था उसको डिवाइड कर देना है। देन डिवीजन करने के बाद आप जो है उनको जो है स्पेशलाइज्ड पर्सन जो है अपॉइंट कर दोगे, सो दैट उनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ताकि आपका काम जो है वो प्रॉपरली हो जाए। सो इतने अच्छे तरीके से काम होएगा तो ग्रोथ किसकी हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट लिखा है मैनेजमेंट हायरार्की। मैंने बोला कि हमने जो फर्स्ट डायग्राम करा था फर्स्ट पेज के ऊपर, चलो अभी मैं ये एग्जांपल ले लेती हूँ। वैसे लिखा सीईओ जनरल मैनेजर को ट्रांसफ़र करेगा, वो सुपीरियर को करेगा, वो सबॉर्डिनेट को करेगा, वो वर्कर को करेगा। एक्चुअल में आप कौन सी चेन यूज़ कर रहे हो? आप लोगों ने ये चेन स्केलर चेन यूज़ करी हुई ना, मिडिल लेवल टॉप मैनेजमेंट, ये हायरार्की यूज़ हो रही है। सबसे पहले कहते आपको ये फ़ायदा है कि आप लोग जो है सुपीरियर, या हम बोले वर्कर, सबॉर्डिनेट, सुपीरियर, देन आपका जो जनरल मैनेजर, देन सीईओ, तो इस तरीके से कहते आप लोगों की ये हायरार्की है, आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, आप लोगों को ये पता चल जाता है आपने किसको रिपोर्ट करना है। वर्कर सबॉर्डिनेट को रिपोर्ट करेगा, सबॉर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, सुपीरियर जो है वो जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, जनरल मैनेजर सीईओ को रिपोर्ट करेगा। तो कहते रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई। नेक्स्ट कहते आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जॉब पोजीशन की पावर क्या है। सीईओ सबसे ज़्यादा पावर में है क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट का पर्सन है। देन उसके बाद जनरल मैनेजर है, उसको पता है वो कौन से डिसीजन ले सकता है, जॉब पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं। देन उसके बाद सुपीरियर है, सुपीरियर को पता है वो सबॉर्डिनेट से काम करवा सकता है। देन आता है सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट को पता है कि वो वर्कर से काम करवा सकता है। सो ये लिखा है उन्होंने कि आपको अपनी पावर पता चल जाएगी कि आपके जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप कौन सा काम कर सकते हो, किस से काम करवा सकते हो और किसके लिए आप लोग आंसरेबल हो, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। आई थिंक दिस इज नो यस दिस वन इज द लास्ट पॉइंट। ओके, कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली हो जाएगा। क्यों कोऑर्डिनेशन होएगा? क्योंकि आप लोग जो है एक तो हायरार्की भी यूज़ कर रहे थे, हम लोगों ने ये बोला है। नेक्स्ट लिखा है इन्होंने इन डेलीगेशन व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड देन इट इज़ ईजी टू मेक देम आंसरेबल फॉर नॉन कम्प्लीशन ऑफ वर्क। सेम वही चीज़ बार बार लिखी है इन्होंने
कि कहते अगर आप लोग अपना डेलीगेशन करते हो, अपनी अथॉरिटी डिवाइड करते हो, इसने इसको काम दिया, तो कहते इस केस में आप जो है नॉन कम्प्लीशन ऑफ वर्क के लिए इजीली आंसरेबल बोल सकते हो कि मैंने इसको काम दे दिया था, इस पर्सन ने काम नहीं कराया, या ये पर्सन आंसरेबल है, या इस पार्ट के ऊपर काम नहीं कम्प्लीट हुआ। तो आंसरेबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल किस जगह पे हो या कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, विद दी हेल्प ऑफ डेलीगेशन या ये इस हायरार्की या चेन ऑफ कमांड की वजह से आपको इजीली पता चल जाता है। सो डिवीजन ऑफ वर्क कहते हेल्प करता है आपकी, एक तो आपको क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क पता चल जाता है कि जैसे अभी मैंने आपको फर्नीचर की एग्जांपल दी कि इस फर्नीचर को बनाने में क्लियर पिक्चर ऑफ वर्क अकेला अकेला काम पता चल जाएगा कि हमें पेंट का काम करना है, हमें असेंबल करने का काम करना है, हमें कटिंग का काम करना है। सो आपको काम के बारे में प्रॉपर पता चल जाता है। सो हमें ये भी पता चल जाता है कि कहाँ पर डुप्लीकेशन वर्क हो रहा है, कहाँ पे एक काम दो बार हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही काम प्रॉपरली देखा, देन उसको डिवाइड कर दिया, सिमिलर एक्टिविटीज़ मैंने ग्रुप कर दी। तो इस चक्कर में कहते डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का चांस ही नहीं है कि कभी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होएगा भी, ठीक है। सो सेम इन्होंने लिखा है कि क्लैरिटी जो है आपके काम में आ जाएगी, इफेक्टिवली आप लोग काम कर सकते हो, इन कोऑर्डिनेटेड वे से काम कर सकते हो।